पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी मुल्कां दी दिफाई इखलाकी ते नजरियाती हमायत कीती है। वो फलस्तीन दा मसला होवे या खलीज जंग, यमन तनाजा या ईरान अरब इख्तलाफात, पाकिस्तान ने अमल लई हमेशा मुस्बत ते वाज़े किरदार अदा कीता। चाहिदा ते ए सी के इस्लामी मुल्कां दी तंजीम OIC भी पाकिस्तान दे मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खलोंदी ते कश्मीर सने हर मसले उत्ते पाकिस्तान दा साथ निभाउंदी। पर इस तंजीम ने भारतीय वजीरे खारजा सुषमा स्वराज नू अपने इजलास विच दावत दे के पाकिस्तान दियां खिदमतां तो सरफे नजर कीता है। OIC मुसलमाना दी तंजीम है ते इहदा फर्ज बनदा है कि वह मुसलमाना दे हकूक दा तहफुज तमाम तर मुफादात नू एक पासे रख के करे। OIC ने उस मुल्क दी वजीरे खारजा नू दावत दिती है जिहड़ा मुसलमाना दे कतलेआम विच बराए रास्त मुलव्विस है। इहदी रियासती पॉलिसी ही मुसलमाना नू कमजोर बनाउणा ते उहनां उत्ते जुल्मो सितम करना है। उह सड़दा गुजरात होवे या जख्मां नाल चूर कश्मीर, भारत दे दामन उत्ते लखां मजलूम मुसलमाना दे लहू दे छिट्टे ने। इथे कदी गावां दे नां उत्ते ते कदी पाकिस्तान नाल मजहबी रिश्ते दा नां दे के मुसलमाना दे साह मकाए जांदे ने। ओह रियासत जिथे शहरां दे सदियां पुराने नां सिर्फ इस करके बदल दिते जांदे ने कि ओह मुसलमाना रखे सन। उस रियासत नूं दावत देण तों पहलां OIC नूं हजार वारी सोचना चाहीदा सी कि इह अमल भारती जुल्म दा शिकार करोड़ां मुसलमाना दे फट लून नाल भरन बराबर है। पाकिस्तान ने OIC दे इजलास दा बाइकाट करके इस तंजीम नू करोड़ा मुसलमाना दा सुनेहा दिता है कि जालम ते मजलूम एक थावे नहीं बैठ सकते।